हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी लाइफ ब्लॉग्स। आप सब अच्छे होंगे, है ना? मुझे पता है, और अच्छे ही रहिए। और क्या चल रहा है आप लोगों का? अभी बहुत ही जल्द सब कुछ खुल जाने वाला है ना? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है सुन के, और आई होप सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और बच्चे भी परेशान हो गए हैं घर बैठ बैठ के, पता नहीं क्या होगा। खुल जाए, उनको भी स्कूल जाने में अच्छा लगता है। स्कूल जाने में कितना मज़ा है हमें तो पता ही है, बचपन में हमें कितना मज़ा आता था स्कूल जाके पढ़ाई करना। घर में पढ़ाई करना और स्कूल जाके पढ़ाई करना बहुत डिफरेंट पार्ट होता है फ्रेंड, है ना? और घर में आप जितना भी चाहे आप आराम से पढ़ लो, लेकिन बच्चों के साथ, मतलब हमारे फ्रेंड के साथ बैठ के पढ़ के, फेस टू फेस टीचर्स के साथ बात करके, वो अलग ही मज़ा आता है ना? वो लगभग ठीक हो गए हैं, और पता तो है आप लोगों को फ्रेंड, हम अगर बीमार पड़ते हैं तो टाइम लगता है बीमार से उभरना, मतलब बीमार से निकलना, लेकिन बीमार पड़ना बहुत ही ईजी हो जाता है। बीमार पड़ने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगता है, लेकिन ठीक होने में, रिकवर होने में आपको लगभग 1 हफ्ता तो लग ही जाता है। तो इसीलिए मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, बहुत ही कम एक्टिव हूँ, ऑनलाइन एक्टिव भी नहीं हूँ मैं, कुछ भी ना ऐप भी ना इंस्टाग्राम कहीं पे भी नहीं हूँ। तबीयत ठीक नहीं होने से फ्रेंड, पता ही है आप लोगों को, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है जब तक आपका हेल्थ ठीक ना हो। और वैसे भी अभी मैं पूरा एकदम फोकस अपने हेल्थ पे कर रही हूँ, ताकि मैं बहुत ही जल्दी एकदम पहले जैसे 100% मैं ठीक हो जाऊँ, है ना फ्रेंड? तो ठीक हो जाने के बाद हम सब कुछ कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 99% तो हो गई हूँ, थोड़ा सा बाकी है, 100% भी हो जाऊंगी। तो लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाया था ना, जो अनबॉक्सिंग की थी आप लोगों को साइड कॉर्नर, तो इंस्टॉल कर दिया है, आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, कैसा लगा बताइएगा। और यम्मी सा एक ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाऊंगी आज, एकदम कुछ अलग सा खाने को मन कर रहा है। ब्रेकफास्ट या आप इवनिंग स्नैक्स कुछ कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, हम कभी कभी ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। कभी कभी मन नहीं करता है हर रोज का रोटी सब्ज़ी या पोहा या ये सब कुछ, ऐसे चाइनीज़ फूड अच्छे नहीं होते हमारे हेल्थ के लिए, बोलते हैं सब बड़े हमारे, अच्छे ही बोलते होंगे हमारे लिए, लेकिन कुछ नियमों का अगर हम मान के चलेंगे, उसमें ढेर सारा वेजेस डाल के खाएंगे। मार्केट में आजकल बहुत सारे ऑप्शन भी आ चुके हैं, आपका आटा वाला भी नूडल मिल जाता है आपको, सूजी वाला भी, शायद मैंने लास्ट टाइम मैंने सूजी वाला मैकरोनी बनाया था, तो देखिए कितनी अच्छी बात है। तो सभी हेल्थ के लिए सभी सोचते हैं, तो बहुत हेल्दी करके कुछ बनाने वाली हूँ, तो चलिए बनाती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ रहिएगा, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में फॉलो कीजिएगा। और लास्ट टाइम मैंने एक बात बोलना मैं भूल गई थी मेरे वीडियो में, मैंने दोनों प्रोडक्टों का प्राइस डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, चेक कर लीजिएगा अगर प्राइस अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो। ओके, तो चलिए। तो देखिए फ्रेंड, आप लोगों को जो दिखाया था, तो ऐसे स्टैंड इंस्टॉल कर दिया है, तो दो ही लेयर लगाई हूँ, थर्ड लेयर मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि दो ही में हो गया है हमारा, दो ही लोग हैं हमारा जो जितने भी सामान है, तो अच्छा लग रहा है ना। देखिए हस्बैंड ने इंस्टॉल किया है, बहुत ही इजी था, पहले से तो बेटर लग रहा है, पहले बहुत ही एकदम बकवास लग रहा था, इधर उधर चीज़ें बिखरे हुए पड़े थे, पर देखिए अब अच्छा लग रहा है ना। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड देख के? मुँह में पानी आ रहा है ना? तो कोई कोई चाउमीन भी बोलते हैं, ये हक्का नूडल्स भी बोलते हैं, वेज चाउमीन भी बोल सकते हैं आप। तो देखिए लियोंग का ये एग हक्का नूडल्स है, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, ये बना के भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब स्टिकीनेस नहीं होता है, बहुत ही कम ऑयल में बनता है। तो मैं हमारे दोनों के हिसाब से मैंने ले लिया था, एकदम बहुत कम लेने से भी हो जाता है, ये बॉयल होने के बाद बहुत सारा इसका क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो देखिए बॉयल कर लिया है मैंने, और देखिए यहाँ पे एकदम कलरिंग वेजिटेबल, ये है कैबेज, ये है कैरेट, ये है चॉप्ड गार्लिक, ये है अनियन, ये दो ग्रीन चिली, और ये है ग्रीन बेल पेपर।
और ये देखिए नूडल्स को मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करते वक्त भी उस पानी में थोड़ा सा ऑयल डाला था मैंने, और यहाँ पे भी देखिए मैं ऑयल से अच्छे से ग्रीस करी हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक ट्रिक्स है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने रेस्टोरेंट में जो लोग बनाते हैं वहाँ उसी से आइडिया मुझे मिला है, शेफ़ लोग भी ऐसे ही बनाते हैं। इससे बहुत ही एकदम नॉन स्टिकीनेस होता है, एक के साथ एक चिपकता नहीं है और ऑयल भी कम लगता है। तो देखिए पहले मैं कैरेट और जो बेल पेपर है उसको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब मैंने कैबेज भी डाल दिया है। इन सब वेजिस का फ्रेंड याद रखिएगा, क्रंचीनेस ख़त्म नहीं करना है हमें, बस हल्का सा ही सॉटे करना है। तो देखिए मैंने हल्का सा ही सॉटे कर लिया, आप लोगों को देखने से पता लग रहा है एकदम क्रंची है। बस हो गया है मेरा, मैंने वेजिस को साइड में रख लिया है। अब एक्स्ट्रा वर्जन ऑयली ऑयल दे सकते हो या तो ऐसे ही रिफाइंड ऑयल दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल ही डाला है, उसमें मैंने गार्लिक के जो कलियाँ रखी थी काट के वो डाल दिया है, और अनियन को भी हाथ से मसल के डाल दिया है, और ये दो ग्रीन चिली, मुझे ग्रीन चिली का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो मैंने डाला है। ये ऑप्शनल है, आप लोग अगर नहीं डालना चाहते हो तो मत डालिएगा, ऑलरेडी बेल पेपर तो है ही, तो इससे तो मिर्च का हल्का सा टेस्ट आ ही जाएगा। तो इन प्याजों को भी आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका क्रंचीनेस बरकरार ही रखना है। तो देखिए फ्राई हो चुका है। अब मैंने टोमेटो केचप, बहुत ही कम टोमेटो सॉस डाला है मैंने, बाद में मुझे नहीं डालना है, मैंने यहाँ पे एक ही साथ में डाल दिया है। आप लोगों को ज़्यादा डालना है तो आप लोग ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो अब है नूडल्स के डालने की बारी। तो देखिए नूडल्स को डाल दिया है मैंने, और नूडल्स को डालने के बाद अब बाकी चीज़ों को भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो किस किस को पसंद है बोलिएगा फ्रेंड। और ये है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर देने से तो टेस्ट बढ़ता ही बढ़ता है, सबको ही पता है। तो कैसा लग रहा है मेरा ये रेसिपी, और टेस्ट वाइज नमक, और अब मैं वेजेस भी डाल दूँगी। और वेजेस को डालते अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है मिक्स करना। मिक्स करना बहुत ही अच्छे से मिक्स करना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे हक्का नूडल्स ही हो या चाउमीन हो, इन सब एक ही मेन होता है मिक्स करना। अच्छे से मिक्स अगर हम नहीं करेंगे तो इसका टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। तो देखिए लगभग मेरा मिक्स करना हो गया है, मैंने दो करछा ले लिया था, एक साथ मिक्स करने में बहुत आसानी होता है। तो बन के यम्मी वाला रेस्टोरेंट स्टाइल हक्का नूडल रेडी।